सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल पैराडाइम IAS एकेडमी और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, हमारा नाम है अम्बरीश कुमार। आज हम एग्रीकल्चर का टॉपिक ले रहे हैं। एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होगा आज हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ 61.5% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हम देखेंगे कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पे बेस्ड है लेकिन भारत में डिजास्टर की भी कमी नहीं, अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कभी बादल फट जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा, और ये कहते हैं कि किसानों के जीवन पर बादल फट जाता है, उन्हें अपने जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमारे भारत सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई 13 जनवरी 2016। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो किसानों की जो फसल है अगर उसको कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, तो ऐसी स्थिति में उनको फसल का इंश्योरेंस दिया जाए। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो फसलें हैं, जैसे अगर आप खरीफ क्रॉप की बात करें तो उसके लिए 2% प्रीमियम, 2% प्रीमियम जो है देना पड़ेगा। इस पे आप अपना जो आपका लागत है, जो आपकी कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग का आपको 2% किसानों को देना होगा, तब वो अपने खेत को, अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को इंश्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। मैंने आपको खरीफ की फसल के लिए बताया, अब हम आपके सामने रबी की फसल की बात करते हैं। रबी की फसल के लिए 1.5% आपको प्रीमियम देना होगा। 1.5% प्रीमियम देके आप, प्रीमियम का मतलब होता है किस्त, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इतना अगर आप प्रीमियम किस्त भरते हैं तो आपका जो रबी की फसल है आपकी वो आपकी सिक्योर हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी सरकार जो है उसका पैसा आपको पे करेगी। 33% भी अगर आपका नुकसान हो जाए इस स्थिति में भी, और अगर आपकी फसल हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, बागवानी बोलते हैं जिसको आप हिंदी में, बागवानी से रिलेटेड है और कॉमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्यिक फसल, तो आपको 5% प्रीमियम देना होगा। और 5% अगर आप प्रीमियम देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सुरक्षित हो चुके हैं, आपको फसल आपकी कट जाती है, खेत में रखी रहती है, और उसके बाद भी 15 दिन के अंदर भी अगर कोई परेशानी होती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, फसल की कटाई के उपरांत की बात कर रहा हूं, तब अगर कोई स्थिति में भी अगर कोई भी क्लैमिटीज आती है तो आपको इंश्योर किया जाए। ये इंश्योरेंस AICIL कंपनी करती है। ये कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2002 में हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये फसल बीमा योजना भारतवर्ष में पहली बार नहीं लाई गई, भारत में पहली बार फसल बीमा योजना जो लाई गई 1985 में लाई गई थी, और 1985 में जो फसल बीमा योजना लाई गई थी उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप
इंटीग्रेटेड स्कीम कहते हैं, इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम हिंदी में कह सकते हैं व्यापक फसल बीमा योजना। ये खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल के लिए से शुरुआत इसकी हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1999 और 2000 की। 1999 और 2000 में एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी जो कि रबी की क्रॉप के लिए आई थी। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को आज फसल बीमा योजना में इसका रिप्लेसमेंट कर दिया गया। फसल बीमा योजना में 50% स्टेट देते हैं और 50% केंद्र सरकार देते हैं। तो आज हमारे जो किसान हैं, फसल बीमा योजना का उद्देश्य ये है कि किसान एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों, उनका जीवन सुरक्षित हो, उनका बिजनेस या जो वो अपने रोजी रोटी जो चला रहे हैं वो उनकी सुरक्षित हो, कृषि के प्रति उनका आकर्षण बना रहे, प्रोडक्शन बनाए रखें, आत्महत्या न करें। आज किसान आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों को रोकने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा लाई गई है, योजना लाई गई है, जिसके बारे में मैंने आपको विवरण दिया है। IAS प्रीलिम्स 2016 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उस प्रकार आप देखेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन में भी इसके साइलेंट फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसकी विशेषताओं को तैयार करें, आप उसके महत्व को तैयार करें, इसने किसानों के जीवन को किस प्रकार से बदला है इस चीज़ को सोचें। और इसी के साथ जो है मैं अपने फसल बीमा योजना के टॉपिक का समापन करता हूँ, एंड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।